हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। इससे मुझे और मेरे इस चैनल को बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद। तो बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। इंडिया या भारत, ये एक देश के दो नाम हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी में हम इसे इंडिया कहते हैं और हिंदी में हम इसे भारत कहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। इन दोनों नामों को स्पष्ट करने के लिए हमें उनके जड़ों में जाना होगा। इन दोनों नामों का अपना एक लंबा इतिहास है और ये अभी भी बहस का विषय है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारत का इतिहास देखेंगे। प्राचीन काल से हमारे राष्ट्र को भारत कहा जाता है। ये मूल संस्कृत नाम है। हमारे पूर्वजों द्वारा बताए गए कोई भी कहानी ये स्पष्ट नहीं बता सकती कि कैसे भारत का नाम भारत पड़ा। कई इतिहासकारों और मान्यताओं के हिसाब से इसकी बहुत सारी वजह है। इस नाम की उत्पत्ति के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं और हर एक कहानी अपने में अद्भुत है। इस वीडियो की अवधि के कारण मैं प्रत्येक कहानियों की व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको सभी कहानियों के बारे में संक्षेप में जानकारी दूंगा। पहला, ऋग्वेद और 10 राजाओं की लड़ाई के अनुसार है। दूसरा, महाभारत और राजा भरत चक्रवर्ती के अनुसार। तीसरा, संस्कृत के अनुसार भारत की उत्पत्ति। चौथा, जैन धर्म के अनुसार। इन सभी कहानियों में आप जानेंगे कि भारत या भारतवर्ष 20,000 ईसा पूर्व से भी पुराना है। तो आप कह सकते हैं कि ये नाम हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे देश को दिया गया है, जहां उन्होंने शासन किया, उन्होंने सेवा की, उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने हमारे राष्ट्र का निर्माण किया, उन्होंने जो कुछ भी किया उन्होंने इस राष्ट्र के लिए किया। यदि आप प्रत्येक कहानी जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें और मैं उसके लिए एक संपूर्ण वीडियो बनाऊंगा। ये हुआ भारत का इतिहास। अब हम देखेंगे इंडिया का इतिहास। प्राचीन इंडस नदी, जो सबसे पुरानी नदियों में से एक है, यह हिमालय से अरब सागर की ओर बहती है। विशाल इंडस नदी भारत के भूमि को 2 भागों में विभाजित करती थी। पुराने ग्रीक के दौरान उन्हें इंडस नदी के आगे कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इंडस नदी के आसपास के भूमि को इंडिया और वहां रहने वाले लोगों को इंडियंस कहा। साल 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तब उन्हें पता चला कि इंडस नदी के पार एक विशाल भूमि है, इसलिए इंडस नदी के इस पार के पूरे भूगोल को इंडिया का नाम दिया गया। 14वीं शताब्दी में वास्को दी गामा नामक यूरोप का पहला नाविक, जो 20 मई 1498 को भारत आया, उन्होंने अफ्रीका की केप ऑफ गुड होप को चक्कर लगाकर भारत के लिए पहला समुद्री मार्ग खोजा। इस खोज ने एक नए मार्ग की शुरुआत की, जिसे आयात और निर्यात का कार्य शुरू हुआ। अंग्रेज, डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज सभी ने भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। उन्होंने चाय, कपास, मसाले, नमक, लोहे और बहुत कुछ खरीदकर आयात किया। वो भारत इस नाम को 3 कारणों के वजह से नहीं अपना पाए। पहला, वे नाम का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, उन्होंने इस भूमि को हमेशा इंडिया के नाम से ही जाना और ये नाम विश्व में प्रसिद्ध था। तीसरा, अगर भारत इस नाम को अपनाते तो इससे उन्हें वार्तालाप में परेशानी होती, जिससे उनके व्यापार को नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए वे इसे इंडिया कहते रहे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और इंडिया आगे बढ़ता गया। अब तक हमें पूरे विश्व में इंडियंस कहा जाता है। इंडिया हमारा पहचान बना और विश्व स्तर पर हमें इंडियंस से ही जाना जाता है, लेकिन हमारा संविधान हमें भारत और इंडिया दोनों के रूप में मान्यता देता है और हमारे सभी दस्तावेज, डाक टिकटों से लेकर सरकारी दस्तावेजों तक, हमारे मुद्रा में सभी में दोनों नाम का उपयोग होता है।
मुझे आशा है कि मैंने आपके प्रश्नों को दूर कर दिया होगा और इस स्पष्टीकरण ने आपको हमारे देश को समझने में मदद मिली होगी। अगर आप इतनी दूर आ ही चुके हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, इससे मुझे बहुत खुशी और मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।